समाचार में गाइस सांडेस है सकते हैं एक। गाइस जा रहे हैं आज हमसे फिर से पौड़ी पावो और खिड़सू घूमने के लिए, और हमारे साथ हमारे मामा भैया लोग सब हैं। तो गाइस ऐसे ब्लॉग को देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छा ब्लॉग आने वाला है अभी तक का सबसे अच्छा ब्लॉग, और हम आपके लिए सिनेमैटिक भी डालेंगे। और देखिए बहुत ही अच्छा मौसम यहाँ का, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तो बहुत ही ठंडा होगा, और ये हमारे गाँव का बोर्ड देख सकते हैं बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो गया है ये। और गाइस ये हमारी गाड़ी जिसमें हम जाएँगे, तो गाइस देखते रहिएगा ब्लॉग को, बाय। क्या मिलता हुआ, क्या बोला था ना? थुप्पा। आपको तो पता नहीं पसंद है, आया तो मैंने भी नहीं है। क्या चीज हो ना दे सांप, ऐसे लहरा लहरा क्यों नहीं है, लहरा यही देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब घर वाले कह रहा था तुम सुन रहे हो, ढूंगी भी तुम जान जाओगे, ये पत्थर हो गए। नाराज क्या हुआ बताओ, घर वाली हो तुम? नाराज नहीं पता था। अब क्या पता है? याद नहीं आना। इसके बगल में इसके सारे पे नाराज हुई, बड़ा पत्थर है जैसे, उसके बगल में हम चुप गए, बैठ गए, उसको बोलते हैं अड़ास। सारा उसका मतलब। अच्छा लुका छुपी हुआ था इसको, छुप जाना। क्या नहीं क्या बोला तूने? ए पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ। जय हो। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम परसुंडा खाल में, और हम अब थुप्पे का प्राइस पूछने जा रहे हैं, कितने हैं थुप्पा है कि नहीं। नहीं है गाइस थुप्पा, किस्मत देख सकते हैं। पहाड़ देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ से। देख सकते हैं आप पौड़ी यहाँ से, बहुत ही ज्यादा कुछ बड़ा और हरियाला उससे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत। कैमरे में नहीं आ रहा, और बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा चलती है एक्सट्रीम। हम इसलिए नहीं गए पौड़ी क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इस समय, पीक सीजन है इस समय वहाँ जाने का लोगों का। तो गाइस यहीं से मजे लीजिए आप पौड़ी के। देखिए गाइस पहुंच चुके हैं हम पौड़ी के। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। व्यू पॉइंट में, यहाँ से व्यू पॉइंट है, स्पेशल व्यू पॉइंट है यहाँ से। हमारे साथ हमारे भैया मामा सब हैं, और देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो गाइस उतर चुके हैं हम भेड़ खाल में जूस लेने के लिए। हमारे आयुष बिडालिया बहुत ही जूस के शौकीन है, ये हमारे साथ हैं, और 150 रुपए का एक बोतल। 150 रुपया देगा एक। पैसा ही पैसा होगा। ठंडा चौबट्टा बाजार है ये, और हम यहाँ पे रुक गए हैं कुछ खाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत देख सकते हैं, क्या कर रहा हूँ, खूबसूरत तो नहीं है, ऐसे काम चलाओ, मजबूरी थी इसे रुक गए हम। के पार्क से खुली जगह है ना वैसी बस। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ भाई किस किस को जाना अंदर? जाओगे अंदर आप जब आए हो तो?
पार्क में घूम कर आते हैं और क्या। ये रहा गाइस खिड़सु ग्राउंड, देख सकते हैं आप, कुछ नहीं यहाँ पे कीचड़ और इन सैंडिसों के अलावा। और एक मंदिर है काफी खूबसूरत और व्यू और काफी अच्छा, और ठंडी ठंडी हवा चलती हुई यहाँ पर, बहुत ही सुहाना मौसम। गाइस देख सकते हैं एक रोड खिड़सु, एक रोड नीचे पाबो के लिए, तो हम पाबो वाली रोड में जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रोड है और ढलान यहाँ से। गाइस देख सकते हैं आप, ये एक बकरी की तस्करी करते हुए यहाँ पर दो युवक, देख सकते हैं आप बकरी की तस्करी कर रहे हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं अब हम किरखू बाजार में, कुछ नहीं खाएंगे यहाँ पे, हम मोमो का प्लान था, लेकिन हमें जहाँ तक पहले का एक्सपीरियंस है बहुत ही गंदे मोमो बनाते हैं भैया, खास करके ये वाले भैया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो फिर अब हम सोच रहे हैं कि कुछ नहीं खाएंगे और एक चाय पी के चले जाएंगे। और गाइस देखती है बहुत ही अच्छा, यहाँ बारिश चल रही थी सुबह से, जहाँ हम गए थे पौड़ी वहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं थी, वहाँ तो बिल्कुल ही धूप गर्म मौसम और यहाँ बिल्कुल ही ठंडा बारिश की तरह। और बारिश ख़त्म हो चुकी है, जैसे हमारी किस्मत में बारिश नहीं है। और हमारे ड्राइवर देख सकते हैं आप, 007 ड्राइवर पिस्टोल ओपी। मेरे को बाजार में गाइस सांडेस ही सांडेस हैं, दूसरे गांव से आए हैं सांडेस, बोल रहे हैं कि किरखू बाजार में हंगामा मचा रखा है, और कुत्तों ने इन्हें भगाने का प्लान करा है, सोचा है कि इन्हें यहीं रही रहने देंगे अपने अड्डे पे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।